दुकान खुली हुई मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। बंद कर देगा, चले बंद करो जल्दी। माँ उठ जाए, क्या हो गया आपको? माँ कहाँ गई? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। माँ, ये आमदनी का बेहतरीन जरिया है, तेरा इलाज भी तो कराना है ना। कहाँ से आ रहा है? लाशी ले इसकी। कहाँ मेरे पल्ले कुछ आई नहीं। अबे चलो से ले गए, चल इसको थाने। सर, मैं तुम्हारे को टारगेट दे रहा हूँ, टारगेट। कोई दुकान खुली हुई मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, और कोई अगर दुकान बंद ना करे तो ठोक डालो सालों को। अगर तुम लोगों से कोई काम ना हो सका तो तुम लोगों को मैं ठोक डालूंगा। कोई केबिन कोई किया खुला हुआ नजर नहीं आना चाहिए। चलो बंद करो दुकान है। खराब हो जाते हैं, देखते देखते हर तरफ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब सुनने को मिलेगा ना जाने कितने लोग मर गए। अल्लाह हर शख्स को महफूज रखे, हर घर का चिराग जलता रहे। अम्मी देवर जी को ना माँ का ख्याल है ना बड़े भाई का, घर आ गए तो आ गए वरना कई कई दिन तक गायब। तू ठीक कह रही है बेटा, चंद पैसे इधर उधर से काम करके कमा लेता है, खुद ही उड़ा देता है। घर का सारा बोझ भाई के कंधों पर डाल दिया। अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चे ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। अम्मी खाना खा लेना, खाना ला दूँ? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाएंगे। वो आ जाएंगे फिर उनके साथ ही खाऊंगी। अम्मी आप खा लेना, वो लोग तो ना जाने कब आएंगे, आप कब तक भूखी रहेंगे। मैं माँ हूँ ना, मैं कैसे खा लूंगी उनके बगैर। उन्हें हाथ हो जाने दो। अम्मा आ जाएंगे, आप टेंशन ना। नहीं, पहले बच्चे आ जाए फिर खाऊं। अम्मी आप रोए तो नहीं ना? आ जाएंगे वो लोग, आप टेंशन ना लेना, आप रोना बंद करें। क्या हुआ भाई, इतना रश क्यों लगाया हुआ है? किसने मार दिया इसको? पता नहीं किसने मार दिया, बेचारा रागिर था, किसने गोली मार दी इसको। आप जानते हैं इसको? नहीं यार, जानता नहीं इसको। एक्सपायर है जी। चलो यार मेरे साथ हेल्प करो जरा। Mm-hmm.
इस शहर में आसिफ हो गया आसिफ। अब इंसान दो दिन काम करेगा और चार दिन घर बैठेगा तो खाएगा क्या? मुझे तो लगता है माँ, एक दिन इस शहर के अंदर हर आदमी डाकू बन जाएगा। ठेला छोड़ के जान बचाई है मैंने, सुबह सुबह उठ के देखने जाऊंगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी यही हालत है, लूट मार तो चारों तरफ है। अम्मा छोटे शहरों में अमन है तो वहाँ कारोबार नहीं है, वहाँ के लोग भी मौत को हथेली पे रख के बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। ये देखो नवाब साहब, वाह, एक दिन काम कर लिया और चार दिन घर में बैठ के खुद ही खा लिया। न घर की फिक्र और न माँ का ख्याल। अगर माँ को नहीं रखा जाता तो ले जाता हूँ माँ को मैं। तो रखेगा मुझे जो चार चार दिन घर से गायब रहता है। माँ तुझे मैं रख लूंगा, इसकी बीवी पे पैसा खर्च क्यों करूँ मैं? ओए खबरदार, हाथ नीचे रख के बात करो। चल अपना हिसाब किताब कर, चल और अपनी सूरत नहीं दिखाना मुझे। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? माँ रहती है मेरी यहाँ। माँ रहती है? माँ का नहीं, किराए का घर है ये, और मैं देता हूँ किराया। चल इधर से, चल पुत्र। जा रहा हूँ मैं माँ। जा रहा है, नवाब बना हुआ है, कमाता है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। आप तो चुप करें अम्मी, आप चुप करें। सही कह रही है फौजिया माँ, आ जाएगा वो। बेटी अभी तू माँ नहीं बन रही, जब माँ बन जाएगी ना, जब तुझे पता चलेगा माँ के नजदीक चाहे मजदूर भी हो या डॉक्टर हो, बेटा बेटा ही रहता है। अम्मा आप क्यों रोती हैं? आ जाएंगे ना वो। बेटा दो वक्त की रोटी भारी पड़ रही, मैं कहीं काम काज कर लूंगी और खा लूंगी रोटी। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं, हम लोग हैं ना। मैं जा रही हूँ किसी के घर काम देखने, हो सकता है मुझे काम मिल जाए। क्या हो गया अम्मी? बैठिए आप। क्या हो गया अम्मी? बेटा मैं अब इस घर में इस तरह से रोटी नहीं खाऊंगी। सही कहा है किसी ने बेटा, आठ बच्चों को माँ पाल सकती है, आठ बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। अल्लाह इस उम्र में किसी को बेवा ना करे, अपने बच्चों का मोहताज ना बनाए किसी को भी। ये सब हालात की वजह से है माँ, कोई बेटा ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी माँ इस उम्र में नौकरी करने जाए। छोड़ बेटा इन बातों में क्या रखा है, कितने माँ बाप हैं जिनके बेटे एमबी सेंटर छोड़ कर चले गए। अम्मी कुछ भी हो मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप बैठे मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। भाई साहब यहाँ इस तरह की कोई और जगह भी है? क्या बात है? मेरा जूस का ठेला था वो। वो ठेला तुम्हारा था? हाँ भाईजान। वो तो चल लड़के उठा के ले गए रोड पर, वो आग लगाई हुई, अब तो जल जला गया होगा, खाक हो गया जल के। भाई किसने आग लगाई है, आप उनको जानते हो? अरे भाई मुझे क्या पता कौन थे, एक तो तू टेंशन दे रहा है, घर वालों की टेंशन तेरी सुनू अपने घर वालों की सुनू मैं? जा जा अपना काम कर भाई।
कल आ तो कोई मुर्गा ही नहीं आया, आ तो दाल का भी आसरा नहीं है। अरे हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रहा है, ड्यूटी पे आया तो उसका भी आसरा कर लेंगे। अल्लाह मालिक है, देखते हैं। ये ले आ गया मुर्गा, हाथ दे इसको, रोक। आ रहा है इसको, रोक साले को। कहाँ से आ रहा है वे? क्या हो गया, कहाँ की घबराहटें लगी हुई तेरे को? कहाँ से आ रहा है? भाई मैं ठेला लगाता हूँ, मेरा कोई ठेला लेके चला गया भाई। कहाँ रहता है? मैं वो कैंट की कच्ची आबादी है ना, मैं वहाँ रहता हूँ भाई। रहता तू कैंट में और तू यहाँ ठेला ढूंढ रहा है अपना, ज्यादा होशियारी नहीं? हाथ ऊपर कर, तलाशी ले इसकी। और साहब मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। हाँ वो तो देख लेंगे ना हम, तू क्यों फिक्र करता है? और साहब जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओए होए साहब, ये चरस मेरी नहीं है, ये होशियारी कर रहा है बेटा। तू उधर है और लेने यहाँ चरस आया? ओ मुझसे कसम ले लो, ये मेरी नहीं है। चल थाने, चल थाने, चल। ओ नहीं भाई, चल चल थाने। ओ ये मेरी चरस नहीं है ना। चल बेटा, नमक कम डालना। अच्छा। तेज नहीं होना चाहिए। आ जाओ फौजिया, आ जाओ बेटा। टाइम क्या हुआ है? रात के 1 बजने वाला है। रात का 1 बजने वाला है जी। या अल्लाह खैर की खबर सुनाइयो। ऐ खुदा, कोई बुरी खबर सुनाने से पहले मुझे उठा लियो। अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हालात खराब हैं, हर तरफ गोलियां चल रही हैं, कहीं रुक गए होंगे ना। मुराद तो दोस्तों में बैठ जाता है, मगर शहजाद कभी घर से बाहर नहीं रहता। ये सुबह कब होगी बेटी? ये रात तो बहुत लंबी हो गई है। अम्मी दुआ के सिवा क्या कर सकते हैं? अल्लाह खैर करे। अम्मी आप सोने की कोशिश तो करें ना, आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटी तू शौहर के बगैर सो सकती है तो सो जाए जाके, मैं बेटे के बगैर नहीं सो सकती। जा देख हांडी देख, शहजाद आते ही गर्म गर्म खाना मांगेगा, खाना गर्म होना चाहिए उसके लिए। अच्छा बनाना उसके लिए। साहब गरीब आदमी हूँ मैं, हालात की वजह से मेरा धंधा खत्म हो गया। अल्लाह की कसम सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरी माँ मेरी बीवी भूखी होगी, मेरे लिए तड़प रही होगी, मुझे छोड़ दो साहब जी। साहब जी मुझे इसलिए चर्च लेने और रात को चोरी करने के लिए निकला था। साहब जी मैं चोर नहीं हूँ, चोर होता तो मैं आपके पास ऐसे कैसे होता? ये चर्च मेरी नहीं है साहब जी। मैं देख यही मुकूंगा कर ले, अगर थाने ले गया ना तो साहब लंबे केस में अंदर कर देगा तेरे को। साहब जी अल्लाह रसूल की कसम साहब जी, मैं चोर भी बार नहीं हूँ, चर्च मेरे नहीं है, मुझे छोड़ दो साहब जी, मुझे छोड़ दो साहब। मैं कलमा पढ़ता हूँ साहब जी, मैं चोर भी मान नहीं हूँ साहब जी, मैं ठेला लगाता हूँ, मुझे छोड़ दो साहब जी। बशीर साहब एक निकी का काम करते, उसे छोड़ देते। देख ले तेरे पे छोड़ा है मैंने। अल्लाह मालिक साहब छोड़ देते। मेहरबानी साहब जी, चल 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 फटाफट पीछे मुड़ के मत। नहीं जी जी किसी को बताइयो भी नहीं। मछली की बस बस यही है ये जिंदगी थी, यही कमाई का जरिया था मेरा। या अल्लाह ये रीढ़ की हड्डी, ये मेरे मोरे कमजोर, अब मैं किस तरह काम करूंगा? अब मैं ना मजदूरी करने के काबिल रहा और ना बोझ उठाने के। ये ठेला मेरा फर्मा बरदार औलाद की तरह था, जो पूरे घर का ख्याल रखता था। अल्लाह तूने की किया, जालिमों ने मेरे रिज़्क का ये ठिकाना भी गरीब से छीन लिया।
रोटी के लिए हाथ पलाऊंगा तो लोग मुझे हीरोइन की भिखारी कहेंगे। शुक्र है तू आ गया, पूरे एक दिन के बाद आया है। तुझे माँ का जरा भी ख्याल नहीं है? शुक्र किस बात का अम्मी? मुराद, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई घर नहीं आया, हम लोग कितने परेशान थे, एक मिनट के लिए नहीं सोए। इसमें सोने या ना सोने की क्या बात है, ये कराची है, हालात मौसम की तरह बदलते हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तू क्या अपने भाई की आदत से वाकिफ नहीं है? वो रात को 12 बजे से पहले घर में घुसता है। माँ बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम्हें जरा फिक्र नहीं है, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटे बच्चों की तरह उसने तुम्हें पाला है। छोटा बच्चा होता तो मुझे भी उसकी फिक्र होती, इतने बड़े आदमी की फिक्र क्या करूँ मैं। छोड़ बेटा, इसको क्या फिक्र होगी। कमाल करती हो अम्मा आप भी, इतने बड़े कराची में कहाँ कहाँ गली गली ढूंढता फिरूंगा ऐसे में, ना नींद ना चैन, मैं रात भर का थका हूँ, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। जो माँ का नहीं है वो भाई का क्या होगा, इसे क्या लेना देना। अम्मा क्या हो गया? अम्मा क्या हो गया? अम्मा क्या हो गया आपको, क्या हो गया? अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया? जो एम्बुलेंस लेके आओ मुराद। तुम अम्मी क्या हो गया अम्मी को? अम्मी अम्मी होश में आए? अम्मी अम्मी फोजिया, खोल दरवाजा यार, मैं थक गया हूँ। शहजाद जल्दी है, अब देखिए अम्मी को क्या हो गया, बेहोश हो गई है। क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ? पता नहीं बैठे बैठे एकदम से बेहोश हो गई हैं। आप जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाएं प्लीज। अस्पताल ले जाऊँ? और बाहर सब बंद पड़ा है, पल्ले एक फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास। आप इन्हें गोद में उठा के ले जाए ना। तू सब्र कर, मेरे दोस्त के पास व्हील चेयर है, मैं वो लेकर आता हूँ। आप जाएंगे फिर आएंगे, आप ऐसा करें माँ को साथ ले जाएं। आएंगे जाएंगे, तुझे पता है मेरे मोरे कमजोर हैं, कैसे इनको उठाऊंगा। सब्र कर, मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। मैं जल्दी है क्या कर रहे हो यार, इस तरह गाड़ी के आगे आता है कोई? भाई मेरी माँ को फालिज हुआ है शायद, सब बंद पड़ा है यहाँ पे। आप देख रहे हो मार्केटें बंद है, दुकानें बंद है, ये हालात चल रहे हैं, हर जगह फायरिंग हो रही है। खुदा का वास्ता मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चले चलो। भाई आप ऐसा करो, एक दो मिनट यहाँ पे रुको, बस मैं ये डेड बॉडी छोड़ कर गया और आया, आपको मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ, आपके साथ चला जाता हूँ, दो मिनट वेट कर लेना। आपकी बहुत मेहरबानी हुई, पीछे गली में ही छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ से हिलना मत, ठीक है ना? अभी छोड़ के आप ही आ जाए। हाँ आ रहा हूँ। चल उठाओ माँ को जल्दी। तू घर का ध्यान रख, मैं आ रहा हूं। दरवाजा बंद कर, सो गया।
हालात तो सही है ना आपकी? हाँ सही है, आप चले मेरे साथ चलना। नहीं कोई मसला नहीं है, वो पीछे गली में इधर ही घर है मेरा। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो बता देना। माँ कहाँ गई? तुम्हारा भाई उन्हें अस्पताल लेके गया है। रोक नहीं सकती थी उसे? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। माँ को देखना है तो जाओ अस्पताल, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, मर गया तुम लोग मेरे लिए। मेरी माँ को मेरा भाई लेके जा चुका है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भाई। कोई मसला नहीं है भाई, हमेशा गरीब गरीब के ही काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, दुआओं में याद रखा करें। ओके। माँ पानी पी। डॉक्टर साहब क्या फालज का असर है? लेकिन मुसलसल टेंशन की वजह से बाज़ों का जैसी कैफियत हो जाती है, दिमाग की रगें सुकड़ जाती हैं। अगर आप दाखिल करवाना चाहते हैं तो मैं रेफर कर देता हूँ। नहीं नहीं, हम घर पर देखभाल कर लेंगे। मैं ट्यूब लिख के दे देता हूँ, आप मालिश कीजिए और धूप में सुबह को उनको लाजमी ले जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरी माँ बोल तो सकेंगी ना? अगर ऐसी ही कैफियत रही तो दाखिल करवाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वही बेहतर हो। ठीक है डॉक्टर साहब, सस्ती दवाई लिखना। माफ करना, तेरे इलाज के लिए मुझे ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। और जब मैं नया ठेला ले लूंगा ना तो मैं तुझे दाखिल भी करा दूंगा। माँ फिलहाल मुझे माफ कर दे।
क्या क्या कर रहा है भाई? देख भी रहे हो चारों तरफ गोलियां चल रही है, किसको लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? भाई ये मेरी माँ है, आगे गली में मेरा घर है। तो बेवकूफ आदमी, ये रात गए इस टाइम पर तुम क्या कर रहे हो? इस रात में गोलियां चल रही हैं और आपको पता भी हालात खराब है, इस हालात खराब में आप लेके जा रहे हो इसको? ये आगे ही मेरा घर है, मेरी माँ पे फालिज का अटैक हुआ है, डॉक्टर के पास मैं लेके गया था, मैं घर जा रहा हूँ भाई। एक काम करो, मैं आपको जो है ना कवर करता हूँ, मेरे साथ साथ एम्बुलेंस में चलना वरना गोली वोली लग जाएगी। बहुत मेहरबानी। बेटी तो शाम के बगैर सो सो सकती है, तो सो जाए। मैं बेटे के बगैर नहीं सो सकती। भागना माँ को लेकर, वो कभी एक पैसे की चीज लेकर नहीं आया कह रहा, आज तू माँ को लेके जा रहा है तू? आज छोड़, देख भाई बैठ के बात कर ले, अगर लड़ेगा तो दोनों को असर नहीं होगा, क्योंकि माँ तेरी भी और मेरी भी। चल हट, हाथ लगाया माँ को हाथ तोड़ दूंगा तेरे, हट इधर से। तुम लड़ेगा तो दोनों को पुलिस की जाएगी, मिलकर खाते छोटे मार लाएगी। Hadi ya, benim var, hadi ya!